लक्ष्मण बाग और चिरौला मंदिर का स्वरूप शीघ्र ही बदलेगा, नए रूप में नजर आएगा। रीवा कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव लक्ष्मण बाग और चिरौला मंदिर को शीघ्र ही नया स्वरूप प्रदान करने की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने भोपाल से एक टीम भी बुलाई थी जिसने दोनों जगह का निरीक्षण कर लिया है। शीघ्र ही एक नई योजना बनाई जाएगी जिसमें फल फूल वालों को लेकर भंडारे तक करने वालों के लिए उचित स्थल बनाया जाएगा। कलेक्टर रीवा की माने तो यह योजना एक आध साल में पूरी हो जाएगी। पूरा होते ही परिसर का स्वरूप बदल जाएगा। हर काम के लिए एक स्थल निर्धारित होगा जिसकी वजह से पूरा परिसर साफ सुथरा भव्य रूप में नजर आएगा। आइए सुनते इस बारे में कलेक्टर रीवा का क्या कहना है। देखिए, लक्ष्मण बाग ट्रस्ट के अंतर्गत चिरौला मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है इसमें लोगों की बड़ी आस्था है और मंगलवार शनिवार को काफ़ी भीड़ होती है और बाकी त्योहारों पर मेले भी लगते हैं। यहाँ बड़ी समस्या है, गंदगी भी है, बहुत कंजेशन है, जगह जगह भिखारी बैठे हैं, कहीं पंडित जी अव्यवस्थित रूप से बैठे हैं, भंडारे चलते रहते हैं, माहौल ठीक नहीं है। लक्ष्मण बाग ट्रस्ट में हम लोगों ने यह तय किया था कि पूरे मंदिर का एक बार पूरी तरह से इसके ग्राउंड को तैयार करना, पार्किंग व्यवस्था करना, फूल फल बेचने वालों को स्थान उपलब्ध कराना, इसके अलावा इस तरह व्यवस्था की जाए कि यहाँ आने पर श्रद्धालु को अच्छा माहौल फील हो, शोर शराबा गंदगी इन सबसे मुक्ति मिले, जो भंडारे चलते हैं उनकी उपयुक्त व्यवस्था हो। अभी बहुत पुराने पुराने घरों में और बड़े अंधेरे में इस तरह से भंडारे चल रहे हैं, तो इस सारे काम को करने के लिए हमने ऐप को भोपाल से टीम बुलाई थी। उनके दो इंजीनियर, एक इंजीनियर थे और दूसरे आर्किटेक्ट थे, आज आके उन्होंने पूरे स्थान का अवलोकन किया है। मेरा प्रयास है कि हम एक आध माह में इसकी योजना बनवा लें कि इसमें वास्तव में किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए पूरे एरिया में, और उसके बाद ट्रस्ट में रख के उसको पास करें और फिर वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करें और ऐसी व्यवस्था करें कि एक आध वर्ष में हम चिरौला मंदिर को एक नया रूप दे सकें और श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएँ दे सकें।